इस पार्ट में हम सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन सेल्स रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर, यानी कि सेल डिवीजन के थ्रू सेल्स जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स हैं वो सेल डिवीजन होती है उनमें, और फिर वो नंबर में बढ़ते हैं, यानी कि अपना नंबर सेल डिवीजन के थ्रू बढ़ाते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट नोन एज कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो सबसे पहले डिवाइड होता है सेल डिवीजन में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कि जो कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सेल डिवीजन दो प्रोसेस के साथ होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। यानी कि सेल डिवीजन दो तरीके से होती है, माइटोसिस के थ्रू भी हो सकती है और मियोसिस के थ्रू भी हो सकती है। लेकिन माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है, और सेम गोज फॉर मियोसिस, यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगी और फिर साइटोकाइनेसिस होगी। अब हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि मियोसिस क्या होती है। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इंटू फोर डॉटर सेल्स इन अ वे दैट ईच डॉटर सेल कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एज इन पेरेंट सेल। यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट सेल होता है वो चार डॉटर सेल्स बनाता है, इस तरीके से कि जो हर डॉटर सेल होता है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। अच्छा, हमने पढ़ा था माइटोसिस में दो डॉटर सेल्स बन रही हैं, लेकिन मियोसिस में चार डॉटर सेल्स बन रही हैं। माइटोसिस में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, लेकिन मियोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं चारों चारों में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। रिडक्शन फ्रॉम डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हैप्लॉइड नंबर इज दैट 46 to 23। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि जो डबल नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के वो हाफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो डबल, अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, 46 क्रोमोसोम्स नंबर ह्यूमन सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ह्यूमन सेल की मियोसिस होती है तो 46 क्रोमोसोम वाला जो सेल होता है वो चार डॉटर न्यूक्लिया बनाएगा, और उन चारों डॉटर न्यूक्लिया में हर एक का क्रोमोसोम नंबर होगा 23, विच इज हाफ ऑफ 46। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। यानी कि मियोसिस भी फर्दर डिवाइडेड है, मियोसिस वन पहले होती है उसके बाद मियोसिस टू होती है। मियोसिस टू यानी कि यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है, मियोसिस वन मियोसिस टू। जो मियोसिस वन होती है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों स्टेप्स होते हैं, और मियोसिस टू में भी ये चारों स्टेप्स होते हैं। लेकिन फर्क ये है कि मियोसिस वन में प्रोफेज वन होता है, मेटाफेज वन होता है, एनाफेज वन होता है, और टीलोफेज वन होता है। इसी तरह से मियोसिस टू में भी होता है। मियोसिस वन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और रिडक्शन फेज। मियोसिस वन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, इसको हम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं और रिडक्शन फेज भी कहते हैं। प्रोफेज वन, मियोसिस वन का फर्स्ट स्टेप प्रोफेज वन। दोज क्रोमोसोम्स इन द सेल विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन शेप एंड साइज आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी कि वो क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर जो कि आपस में एक तरह से के दिखते हों और उनका साइज भी एक जैसा हो, उन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दे अकर इन पेयर्स, यानी कि वो आपस में पेयर बना लेते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन ईच होमोलोगस पेयर देयर आर फोर क्रोमेटिड्स सिंस ईच नंबर ऑफ द पेयर्स हैज ऑलरेडी डबल्ड इटसेल्फ। यानी कि हर होमोलोगस पेयर में चार क्रोमेटिड्स होते हैं और हर पेयर खुद को डबल कर चुका हुआ होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जैसे ये दो हैं, ठीक है, ये आपस में होमोलोगस पेयर है, ठीक है, इसमें चार क्रोमेटिड्स हैं। आप देख सकते हैं एक ये क्रोमेटिड हो गया, ठीक है, एक इसके नीचे वाला, तीसरा ये हो गया, एंड फोर्थ वन इज दिस वन। तो इस तरह से फोर क्रोमेटिड्स होते हैं एक होमोलोगस पेयर में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ज्वाइन टू एक्सचेंज देयर पार्ट्स एट सर्टेन प्लेसेस, अ प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं बनाती हूँ एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, और ये हो गया हमारा दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम।
जब इनकी क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होता है, ये आपस में ज्वाइन होते हैं और ये कुछ पार्ट्स खुद के चेंज कर लेते हैं। होता ऐसे है कि ये देखें, ये हो गया, इतना बनाते हैं हम इसको, इसका इसने ब्लू वाले का थोड़ा पार्ट ले लिया, देखें लाइक दिस, ओके। और अब हम ब्लू वाला बनाते हैं क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम, ये देखें यहाँ पर ये हो गई है हमारी क्रॉसिंग ओवर, यानी कि इन्होंने आपस में अपने पार्ट्स चेंज कर दिए हैं एक होमोलोगस पेयर ने। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज वन में हो जाती है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, यानी कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल रहता है आपस में ये लोग चेंज कर लेते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, ये हमने पढ़ा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड, वही हो गया माइटोसिस के टू फेज की तरह की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के अराउंड वो खत्म होने लग जाती है और स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाते हैं। कैसे बनते हैं, कि क्रोमोसोम्स के बीच में यानी दो क्रोमेटिड जो होते हैं वो आपस में सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए होते हैं, और सेंट्रोमेयर जो है वो दो सेंट्रियोल्स बनाते हैं, फिर सेंट्रियोल्स जाके स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ये हमने पहले माइटोसिस में डिस्कस कर लिया हुआ था। तो इस तरह से फिर स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाती हैं प्रोफेज वन में। मेटाफेज वन, पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स ऑन मेटाफेज प्लेट्स एंड कम टू लाई इनटू पैरेलल लाइंस, यानी कि जो पेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, हमने पढ़ा था, जैसे यहाँ पर ये देखिए क्लियरली नजर आ रहा है ये होमोलोगस पेयर बना हुआ है एक पूरा, ये मेटाफेज प्लेट पे आता है, यानी कि जो बीच वाली प्लेट होती है स्पिंडल फाइबर्स का जो मिड पार्ट होता है उस पे आके ये अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज वन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ईच विद टू क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स, यानी कि अब कह रहे हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि ऊपर मैंने आपको पेयर दिखाया, उनमें से हर आपस में अलग हो जाते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम अलग हो जाता है और ये दूसरा क्रोमोसोम अलग हो जाता है, ये दोनों आपस में अलग हो जाते हैं। ईच कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स, यानी कि दो क्रोमेटिड्स होते हैं हर पेयर के पास और वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ईच ऑफ द डॉटर सेल्स नाउ हैज एटलीस्ट वन क्रोमोसोम ऑफ द होमोलोगस पेयर, अब ये कह रहे हैं जो होमोलोगस पेयर था, ये देखें कि एक ये दो, ये पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, होमोलोगस पेयर हो गया। कह रहे हैं कि हर जो डॉटर सेल बनेगा, ये एक डॉटर सेल, ये दूसरा डॉटर सेल, इसके पास पूरा एक क्रोमोसोम होगा दो क्रोमेटिड्स के साथ, और इसके पास भी पूरा एक क्रोमोसोम होगा दो क्रोमेटिड्स के साथ। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, टेलोफेज वन, द क्रोमोसोम्स कम टू रेस्ट एट द पोल्स, द क्रोमोसोम्स एट ईच पोल अनकॉइल एंड इलोंगेट टू फॉर्म क्रोमेटिन, इनके वही बात आ गई कि जैसे मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हुई थी कि हर डॉटर सेल के पास पूरा एक क्रोमोसोम आ जाएगा, और जब ये अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाते हैं तो वो इलोंगेट होते हैं ताकि क्रोमेटिन दोबारा से बन जाए, और अनकॉइल हो जाते हैं, यानी कि आपस में जो भी कॉइल्ड हुए हुए होते हैं वो कॉइल खत्म कर देते हैं एक दूसरे से। अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड एट ईच पोल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है, यहाँ पर ये देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है पूरी और दो डॉटर न्यूक्लिया बन जाते हैं, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। मियोसिस टू, मियोसिस टू इज सिमिलर टू माइटोसिस, जो मियोसिस टू है वो माइटोसिस की तरह ही होती है। मियोसिस वन में सारे स्टेप्स हुए टीलोफेज तक, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुई और दो डॉटर न्यूक्लिया बन गए, यानी कि दो डॉटर सेल्स बन गए, पहला ये बन गया और दूसरा ये बन गया। उसके बाद प्रोफेज टू स्टार्ट होती है, प्राइमरी मीन फॉर सेपरेटिंग द टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम, यानी कि मियोसिस टू में बेसिकली क्या होता है कि पूरा एक क्रोमोसोम हुआ होता है ना एक डॉटर सेल में, तो जब मियोसिस टू होती है उसमें ये कहते हैं कि एक क्रोमेटिड जो एक क्रोमोसोम का है वो अलग से सेल में चला जाए और दूसरा क्रोमेटिड अलग सेल में चला जाए, ठीक है। तो पहले मैं आपको स्टेप्स क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद आगे के पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। प्रोफेज टू, प्रोफेज टू में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो थिक होने लग जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाती है,
और जो है स्टार्टिंग होती है, फिर आती है मेटाफेज टू। मेटाफेज टू में क्या होता है कि जो मिड लाइन इक्वेटोरियल प्लेन होती है या मेटाफेज प्लेट होती है, उस पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो खुद को अरेंज कर देते हैं, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स के मिड पे खुद को आके अरेंज करने लग जाते हैं। उसके बाद एनाफेज टू में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से है बना हुआ। इसमें क्या होता है कि दोनों क्रोमेटिड्स आपस में अलग हो जाती हैं और या एक दूसरे से भी डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी हुई होती है और क्रॉसिंग ओवर के दौरान जेनेटिक मटेरियल आपस में चेंज होता है इन दोनों के, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे आप देख सकते हैं एक क्रोमेटिड पूरा ब्लू है, दूसरा क्रोमेटिड पर्पल एंड ब्लू है, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट होते हैं। तो ये दोनों एनाफेज के थ्रू अपोजिट पोल्स पे मूव करने लग जाते हैं। फिर आते हैं टीलोफेज टू में। टीलोफेज टू में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लग जाती है, कैरियोकाइनेसिस होती है कंप्लीट, और दो डॉटर न्यूक्लिया बन जाते हैं। यहाँ पर एक डॉटर न्यूक्लिया, यहाँ पर दूसरा डॉटर न्यूक्लिया, एक सेल के अंदर दूसरे सेल के अंदर एक डॉटर न्यूक्लिया और ये दूसरा डॉटर न्यूक्लिया। ऊपर हमने पढ़ा था कि मियोसिस वन के थ्रू एक फर्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है वन और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है टू, तो यानी कि दो डॉटर सेल्स मियोसिस वन ने बना लिए थे। अब मियोसिस टू में उन दो डॉटर सेल्स में दोबारा से दो दो न्यूक्लिया बनेंगे, फिर दोबारा से इनके बीच में साइटोकाइनेसिस होगी, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगी और फिर यहाँ पर क्या बनेंगे, फोर सेल्स बनेंगे, वन टू इस सेल में से, वन टू दूसरे सेल में से। इस तरह से साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट होगी और फोर डॉटर न्यूक्लिया बन जाएंगे जिसका क्रोमोसोम नंबर होगा हाफ। द क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर नो लॉन्गर आइडेंटिकल बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस टू हैज अ कैरियोकाइनेसिस स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड अ साइटोकाइनेसिस स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। वही मैंने आपको बात क्लियर कर चुकी हूँ कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगी मियोसिस टू में, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर चार डॉटर न्यूक्लिया बनाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस, नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन एनिमल्स एंड स्पोर्स इन प्लांट्स। यानी कि एनिमल्स में गैमेट्स बनाने में हेल्प करती है मियोसिस और प्लांट्स में स्पोर्स बनाने में हेल्प करती है। प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग क्रोमोसोम नंबर कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन तक कांस्टेंट रहे। जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स में, यानी कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 ही रहता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स का जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें ये होता है कि मेल से स्पर्म आता है जिसका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है मियोसिस के थ्रू। ठीक है, और जो फीमेल होती है उससे ओवम या एग आता है जिसका अगेन क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। इनकी आपस में जब फ्यूजन होती है तो क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल हो जाता है, जितना 46 हो जाता है, यानी कि स्पर्म का 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, एग या ओवम का भी 23 होता है। जब ये आपस में इनकी फ्यूजन होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 यानी कि एग्जैक्ट वही नंबर हो जाता है जो पेरेंट सेल का होता है। तो इस तरह से मियोसिस जो है वो जनरेशन से जनरेशन तक क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखने में हेल्प करती है। प्रोवाइड्स अ चेंज फॉर द अपीयरेंस ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। हमने पढ़ा था प्रोफेज वन में क्रॉसिंग ओवर हो रही थी जिसकी वजह से होमोलोगस पेयर के बीच में जेनेटिक मटीरियल चेंज हो रहा था, तो उस चेंजिंग की वजह से, उस क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस की वजह से न्यू जीन्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो डॉटर न्यूक्लिया बनते हैं वो अपीयरेंस में डिफरेंट होते हैं। इससे हमें बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं ड्यू टू मियोसिस। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम जरूर जवाब देंगे। थैंक यू।